हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आज हम लोग ये देखो, 1 2 3 4 5 ओनली 5 सॉकेट नहीं, क्या बोल रहा है, सॉकेट नहीं, ओनली 5 स्विच का बोर्ड बना, मतलब हमको खाली 5 स्विच का ही बोर्ड चाहिए। 1 2 3 4 5, नो सॉकेट, नो फ्यूज, नो इंडिकेटर। ये देख सकते हैं, इसको आज मैं अंदर से कुछ कट नहीं करने, यहाँ पे कट नहीं करेंगे, यहाँ पे भी कट नहीं, खाली यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्विच, क्योंकि ये 5 स्विच, ये जो 5 स्विच रहेगा ना, वो एक फैन का रहेगा, बाकी सब लाइट का रहेगा, इसके अंदर खूब लाइट रहेगा, सब बॉल पे सब का एक साथ लाइट का स्विच रहेगा। इससे फिट कर दिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार ये निकाल के रख दिया इसको, क्योंकि उसको निकालने को टाइम लगता है। यहाँ पे भी कट कर, यहाँ पे भी कट करके स्विच लगा सकते हो, फिर उसको खाली 5 स्विच ही चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 स्विच चाहिए, जो 5 स्विच का ही है। उसको एंकर का स्विच नहीं चाहिए, उसको कैप्टन कंपनी का चाहिए, तो हम लोग कैप्टन कंपनी का स्विच ले लेंगे। इसको यहाँ पे कट करेंगे, उसके बाद ये बोर्ड रेडी होने के बाद मैं इसका आपको प्राइस भी बताएगा, मतलब 5 स्विच का बोर्ड का प्राइस कितना रहता है। सिंपल है, आप भी ये घर पे ये कर सकते हैं, बोर्ड बना सकते हैं। जो कैप्टन कंपनी का जो लोगो रहता है ना, इसको आपको ऊपर रखना है, एक ही लाइन में आना चाहिए लोगो। आप इसको लगा सकते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं जल्दबाजी करता नहीं, आराम से काम कर लेता है, लाइट का काम आराम से करता है, इसकी वजह से मैं इतना जल्दबाजी करता हूँ, क्योंकि कम से कम 10-15 मिनट तो उसको लग जाएगा। ये देखो, हमारे एक स्विच तो रेडी पड़ चुका है, सिंपल है, बोला होगा ना मेरे को 6 स्विच का चाहिए, मतलब 6 स्विच का चाहिए, 6 स्विच का भी कर सकता था, उसने 5 स्विच ही उसको चाहिए, इसकी वजह से एक दो स्क्रू मैंने निकाल के क्यों रखा है, क्योंकि स्क्रू निकालने में बहुत टाइम लगता है, इसकी वजह से वो सबसे पहले मैं उसको निकाल के रख दिया, बहुत टाइम लगता है, उसके बाद वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अभी ये यहाँ पे इसको इसके बाद ये देखिए, सबसे मेरे ये देखिए, दो कंप्लीट हो चुके हैं।
दिख रहा है, थोड़ा मैं लाइट कम कर देता हूँ। हाँ अभी आप देख सकते हैं इधर तो तक कंप्यूटर से एक ही लाइन में रहेगा ना तो सबसे बढ़िया रहता है, एक ही लाइन में रह जाएगा, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कपड़ा ले लेंगे मैं यहाँ पे साफ करने के लिए, क्योंकि जितना साफ रखेगा ना उतना अच्छा दिखेगा प्लेट साफ रखने के लिए। यहाँ पे इसको स्क्रू में लगा कर ले लेता है, ये जो लाइन है ना ये लाइन थोड़ा बहुत इसको ये जो लाइन है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरा ऐसे अच्छे तरीके से पेन में रह जाए। देखिए ये तीनों अच्छे तरीके से एक लाइन में हो गया, दूसरा सूट शायद थोड़ा टेढ़ा हो चुका है चाहिए, पूरा सिस्टमेटिक ऐसा लाइन में रहेगा ना तो दिखने में अच्छा। अभी ठीक है लगा देते हैं, ये आखिरी को नट को मैं नहीं निकालता इसी तरीके से नट वर्क तो कंप्लीट हो चुका है। देखो अगर आपको ये पूरा अभी इसको आपको लुकिंग करना है तो मेन लाइन देना है तो यहाँ से आपको ऐसे देना है, ये जो अभी वायर मैं देखता हूँ ये वायर
इसको यहाँ तो वैसे यहाँ से अच्छे तरीके से चिर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं इतना इतना ये वायर को शायद कॉइल है इसके नीचे ये नहीं पूरा वायर बाहर अच्छे तरीके से ऐसे कट जाएगा ये कट कर ये जो वायर है ना इसको ऑयल लगे इसको जैसे फिसल रहा है मैंने भी ये कर दिया है और कर लीजिए इसको साइड से यहाँ पे इसे इसको निकाल देंगे ऐसे क्योंकि इसके अंदर ऑयल है इसकी वजह से वो फिसल रहा है ऑयल लगाना है और थोड़ा इसको कट कर लिया वायर को संभाल के लगा क्योंकि आपके अंदर आपको लग सकता है ये वायर इसके लिए इसको संभाल के थोड़ा साइड में कट कर पूरा निकालने के बाद इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करो अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर दिया पकड़ से दिया हो चुका है इसको अभी संभाल के इसके अंदर पहले इसका स्क्रू को निकाल देते हैं
वायर कट गई थी, इसके अंदर बाद में इसको अभी यहाँ से टाइट करके देख देख सकते हैं मेरे पूरा कम्प्लीटली इसको ये कर मेरा कंप्यूटर हो चुका है, देखेंगे हमारा बोर्ड कम्प्लीट रेडी। अभी इसको अच्छे तरीके से स्क्रू लगा देते हैं, चारों स्क्रू यहाँ पे रखेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा बोर्ड पूरा कम्प्लीटली हो चुका है, रेडी हो गया। एक दो तीन चार पाँच स्विच बोर्ड हो चुका है। जैसे इसका प्राइस है ओनली 180 रुपीस। आप देख सकते हैं अभी पूरा कम्प्लीटली एक दो तीन चार पाँच, और एक दो उसका स्क्रू बाकी है, इसको हम लोग लगा दीजिए। हमारा बोर्ड रेडी हो चुका है, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्रोडक्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।